हेलो हेलो, गुड गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक। हमारा टॉपिक है आज का जीओआरडी। ठीक है, जीओआरडी मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कॉमन टॉपिक है। एक मिनट रुके आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीओआरडी को। सभी लोगों ने सुनी होगी, और कोई रेयर डिसऑर्डर नहीं है, कॉमन डिसऑर्डर है। रूटीन प्रैक्टिस में भी हम लोग रोज देखते हैं और प्रैक्टिकल में भी कई बार ये आता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि रेयर डिसऑर्डर है ना, मगर इसको और डिटेल में हम जानते हैं और प्रॉपर तरीके से इसको हम समझते हैं क्या आखिरकार ये है क्या। तो आप इतने इसको समझिए, ये हमारा इसोफेगस का पार्ट है ये। ठीक, तो यहाँ से हमारा स्टमक चालू होता है, यहाँ हमारा एक स्पिंक्टर होता है। ठीक, ये स्पिंक्टर है हमारा। इसका काम क्या होता है, जब इसोफेगस से फूड आएगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा और फूड हमारा स्टमक के अंदर आ जाएगा। जैसे ही स्टमक के अंदर एसिड बन के फूड को आगे के प्रोसेस के लिए चालू करता है, इस स्पिंक्टर को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि इसके अंदर उबल रहा एसिड यहां ना जा सके। क्योंकि ये जो लाइनिंग है इसोफेगस की, वो अलग चीज के लिए बनाई गई है, और ये जो लाइनिंग है गैस्ट्रिक की, वो अलग चीज के लिए प्रिपेयर की गई है। तो अगर यहाँ का एससीएल वहां पहुंचेगा इसोफेगस के पास, तो वो लेयर उस चीज के लिए बनी ही नहीं बनी, तो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा तो हमको डिसऑर्डर होगा। कल भी हमने ये बात की थी, कोई भी डिसीज जब भी आती है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, जिसको भी आप कहेंगे, उसका बेसिक जो अगर हम कॉज निकालें, बेसिक जो फीचर निकालें, वो फीचर होगा क्या, चलिए तो समझ रहे हैं ना आप। मैं क्या बात कर रहा था, आप लोगों को थोड़ा रिमाइंड कराइए कि जो लेयर जिस चीज के लिए बनी है वो वही काम करेगी प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल एसिड जहां बन रहा है, वहां पे उसकी मेकोजा बनी हुई है ऑलरेडी। नेचर ने हमारे हर पार्ट को अकॉर्डिंग टू नीड्स प्रिपेयर किया हुआ। जब भी कभी हम नेचर को, जब हेलो आवाज आ रही है, तो अब आ रही है सर, अभी बीच में रुक गई थी। हाँ,
नेटवर्क शुरू समय से प्रसारण कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए जो लाइनिंग जिस चीज के लिए बनी हुई है वो लाइनिंग उसी जगह प्रॉपर काम करेगी। ये लाइन जो है इसोफेगस की वो एससीएल के लिए नहीं बनी, ये लाइन बनी हुई है। तो जब भी कभी एक कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ का एसिड निकल के यहाँ पहुंचेगा तो वो उसको जला देगा, रोड कर देगा, इन्फ्लाम कर देगा। बस इसी कंडीशन को हम बोलते हैं जी ओ आर डी। इसके कई सारे नाम हैं, जी ओ आर डी है, जी ई आर डी है, बहुत सारे नाम है। क्यों नाम इसके पड़े हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक, अभी मगर इतना समझ लीजिएगा कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अब टॉक्स करते हैं, बात करते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। तो हमें क्या क्या आज पढ़ना है वो हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। एक तो मैं डेफिनेशन देखना है जी ई आर डी की, दूसरा उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझना है, तीसरा उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझना है, चौथा उसका डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन समझना है कैसे हम उसको डायग्नोस करें, और लास्ट में उसका ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन देखना है। ये इतना मटेरियल है जो हमें जी ओ आर डी के बारे में या जी ई आर डी के बारे में पढ़ना है। ठीक, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के बारे में पढ़िए। अ कंडीशन विच डेवलप्स, मतलब जी ई आर डी एक ऐसी कंडीशन है, अ कंडीशन विच डेवलप्स व्हेन द रिफ्लक्स ऑफ स्टमक, यानी जो यहां था ये जो एसिड था ये रिफ्लक्स हो जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस से मेरा मतलब अपना गैस्ट्रिक से इसोफेगस में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिफ्लक्स। जहां नहीं आना चाहिए वहां पहुंच रहा है। तो रिफ्लक्स ऑफ स्टमक कंटेन, इसको अच्छे समझ लीजिएगा, इसकी बात करें हम स्टमक कंटेन की, रिफ्लक्स ऑफ स्टमक कंटेन यहां से पकड़िए इसको, कॉजेस प्रवोलेंसम सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन। अगर ये लाइन आपको समझ नहीं आ रही हो तो ट्रवलसम हटा दीजिएगा, हालांकि नीचे उसकी मीनिंग क्लियर कर दी है। तो इतना समझिए जी ई आर डी एक ऐसी कंडीशन है उसमें एसिड जो कंटेन है स्टमक का जो कंटेन है वो इसोफेगस के लोअर एंड पे आ चुके हैं और उसे इरोड कर देंगे, और इरोड होने के बाद, इन्फ्लेम्ड होने के बाद वहां कुछ कॉम्प्लिकेशन आएंगे, कुछ सिम्टम आएंगे, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं जी ई आर डी। क्लियर? ठीक, ट्रबलसम के मीनिंग यहाँ पे क्लियर की हुई है। पेशेंट गेट टू डिसाइड, मतलब उसको अब एहसास हो गया कि व्हेन रिफ्लेक्स इंटरफियर विथ लाइफ स्टाइल। हम किसी चीज को डिसीज कब तक नहीं मानते, डिसईज, डिसीज का मतलब होता है जो हमारी ईज कंडीशन थी, जो हमारी काम कंडीशन थी, कंफर्ट कंडीशन थी, उसमें कोई चीज हमको इंटरफेयर कर दे तो वो होती है हमारी डिसीज। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई फूड हो सकता है, वो कोई कंडीशन हो सकती है, वो कोई इन्वायरमेंट हो सकता है, डिसीज हो सकती है, कोई भी नाम ही उसका असली पड़ा डिसईज। जो हमें ईज फीलिंग होनी चाहिए हेल्थी वाली कंडीशन में वो डिस हो जाए, डिसबेलेंस हो जाए। तो ऐसा रिफ्लेक्स अभी डिसाइड कर लें कि जो रिफ्लेक्स आ रहा है, जो वापस आ रहा है, कई बार हल्का सा आता है पर वो फ्यू सेकंड के लिए आता है और चला जाता है, हल्की सी प्रॉब्लम होती है वो हम ठीक हो जाते हैं। कई बार खाना खाते में ऐसा होता होगा, आपने भरपेट खाना खा लिया, सीधे शब्द में बोले तो खींच खा लिया, उसके बाद ये कंडीशन बनती है रिफ्लेक्स वाली। कई बार खाना खा के तुरंत लेट गया उस समय कंडीशन बनती है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं बनती तो वो डिसीज प्रोड्यूस नहीं कर पाती। हालांकि डिसकंफर्ट तो करती है पर इतना टाइम के लिए नहीं होती कि आपको डिजीज हो जाए। ठीक, तो जब ये चीज आपको जो रिफ्लेक्स हो रहा है वो उतने टाइम के लिए रहे, बार बार रहे कि आपकी वहां की लाइनिंग को इरोड कर दे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे जी ई आर डी। यहां तक क्लियर हुआ आपको? क्लियर होगा जी सर? ओके, डेफिनेशन क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए दूसरी डेफिनेशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी यानी ACG सिम्टम्स और म्यूकोसल डैमेज प्रोड्यूस्ड बाय द एबनॉर्मल रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस। समझ रहे हैं आप? यानी जो ये देख रहे हैं पिक्चर आप, ये जो हमारा एसिड है गैस्ट्रिक कंटेन है वो यहाँ पहुंच के सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं GERD या GORD कोई भी। ठीक, होता कैसे? प्रोड्यूस्ड बाय एबनॉर्मल रिफ्लेक्स, क्योंकि रिफ्लेक्स नॉर्मल नहीं होता, वो लोअर एंड बंद हो जाता है तो वहीं हांडी खदकती रहती है यानी स्टमक वहीं उबलता रहता है, वो कंटेंट बाहर नहीं आने देगा। जिस कंडीशन में बाहर आ गया तो वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यानी सिस्टमेटिक सारे काम बनाए गए हैं बॉडी के अंदर, नेचर ने हमें हर चीज अकॉर्डिंग टू नीड उसने सेट किया था, चाहे वो हमारे हार्मोन हो, चाहे वो हमारी स्किन हो, चाहे हमारी बॉयज हो, चाहे हमारी स्किन का टेक्चर हो। फीमेल को थोड़ा सॉफ्ट स्किन दी हुई है, हम लोगों को थोड़ा हार्ड दी हुई है, बॉयज उनकी सॉफ्ट है, हम लोगों की बॉयज हार्ड है, इमोशंस उनके अलग लेवल के, हमारे इमोशंस अलग लेवल के। जैसे ही हम मेल फीमेल को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, मिक्स से मेरा मतलब है या मेल फीमेल की तरह सोचने की कोशिश करेगा या फीमेल मेल की तरह कोशिश करेगी सोचने की, रिएक्ट करने की, एक्टिविटी करने की, तो वो डायरेक्टली नेचर को चैलेंज है। पर नेचर हमेशा अपने चैलेंज का जवाब आपको देगा, उसका जवाब होता है डिसीज के फॉर्म। छेड़ना अगर आपने कर दिया तो सारी प्रकृति का सिस्टम डगमगा जाएगा। समझ रहे हो ना? उसने कुछ चीजें जो बनाई हैं, क्रिएटिविटी जो की है, वो हमसे लाख गुना ज्यादा बेहतर समझता है किस चीज का इस्तेमाल कब होना है और किस लिए होना है, इसलिए उसने क्रिएट किया। सोचो ना, अगर उसे लगता कि सामान बनानी है मेल और फीमेल को, तो एक स्टमक सॉरी एक यूटरस फीमेल के पास देता तो एक यूटरस मेल के पास भी होता। एक जेनिटल फीमेल जेनिटल मेल के पास होता और एक फीमेल जेनिटल मेल के पास भी होता। एक मेल जेनिटल मेल के पास तो है ही, फीमेल के पास भी देता हुआ। जब इतनी बॉडी बना सकता है हमारा नेचर, तो एक चीज और क्रिएट नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। जब इतनी सारी नर्व, इतनी सारी बोन्स, इतनी सारी चीजें वो क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो इन चीजों को भी कर देता, समान कर देता। नहीं किया उसने, कोई तो रीजन होगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जब भी हम नेचर को छेड़ेंगे तब तब नेचर हमको अपना गुस्सा दिखाएगा डिसीज के फॉर्म। आज आप देख लें डिप्रेशन, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, PCOD है ना, फाइब्रॉयड, थायरॉयड, डायबिटीज, BP ये बढ़ गए, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल का सिंपल सा मीनिंग होता है जिस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए हम उस तरीके को छोड़ के दूसरे तरीके अपना रहे हैं जो कि एबनॉर्मल है। समझ रहे हो आप? बस उसके हमको डिसऑर्डर मिल रहे। किसी ने एक चार लाइन में सारी बात बोल दी, गांव गांव ने सड़क से बोल दिया। कि फिलोसफिकल चीजें हैं जो आपको डिसीज समझाएंगी। गांव ने सड़क से बोला, ऐ सड़क तो अब आई है जब सारा गांव शहर जा चुका। समझ रहे हो ना आप क्या बोलना चाह रहा हूं? हम गांव छोड़ के शहर आते हैं, गांव जैसी शांति फिर शहर में उम्मीद करते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं। बॉम्बे का पर्सन बैलगाड़ी में बैठने के लिए तरसता है, उसको लगता है यार ये अमेजिंग चीज है। गांव का पर्सन एयरोप्लेन में बैठने के लिए तरसता है, उसको लगता है ये अमेजिंग चीज है। तो तरस तो वो भी रहा है, तरस ये भी रहा है, कंप्लीट कोई नहीं है। बॉम्बे वाले तरसते में खुली हवा मिल जाए घंटे के लिए ही सही, तो वो आउटडोर में अपने बंगलोज बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, जैसे कि नेचर के नजदीक रह सके।
बस गांव वाले तरसते हैं कि शायद 2 दिन के लिए बॉम्बे घूमने को मिल जाए, तुम्हारी लाइफ बन जाए। सेटिस्फाई दोनों नहीं है, क्योंकि दोनों को एक्चुअल मीनिंग नहीं पता। समझ रहे हैं ना, एक्सपेक्टेशन, लैक ऑफ नॉलेज हमें डिसअपॉइंटमेंट में लेके जाती है। तो एसिड रिफ्लेक्स क्यों हो रहा है? और एसिड जो बॉडी का ही पार्ट है, तो बॉडी का एक पार्ट था यानी गैस्ट्रिक के अंदर था, गैस्ट्रिक म्यूकोजास को कोई प्रॉब्लम उसको हो नहीं रही थी, तो फिर ये ईसोफेगस को जला रहा है। भाई हमारा ही तो पार्ट है, हमारा ही पार्ट है, हमारी बॉडी के अंदर है, हमें ही प्रॉब्लम कर रहा है, ये क्या बात हुई? तो इसको समझना पड़ेगा कि वो पार्ट बनाया गया था, वो चीज बनाई गई थी आपके स्टमक के लिए, ना कि आपके ईसोफेगस के लिए। आपने ऐसी कोई कंडीशन प्रोड्यूस कर दी जिससे कि उसको रिफ्लेक्स हो गया और वो दूसरी जगह जाके उसे बर्न कर दिया, इन्फ्लाम कर दिया, ये होगी हमारी डिजीज। ऑफ्टन क्रॉनिक एंड रिलैप्सिंग मे बी सीन कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीआईडी इन पेशेंट हु लैक टिपिकल सिम्टम। क्लियर? कई बार ये डिसऑर्डर इतने यहाँ बढ़ जाते हैं, चूंकि कई लेजी लोग होते हैं, अवेयरनेस नहीं होती हेल्थ के प्रति, तो वो अरे ठीक है हम तो पेंटॉप खा लेंगे, हम ऐसी लोग खा लेंगे, क्या ऐसी इसकी हम इनो पी लेंगे, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं और इस चीज को इग्नोर करते रहते हैं, साल दर साल उसको बढ़ाते रहते हैं। तो फिर आप लोगों ने पैथोलॉजी पढ़ी होगी कि नेचर का एक रूल होता है कि पहले वो स्मॉल स्टिमुलाई देता है आपको बीमारी के रूप में, पहले डिस्कम्फर्ट नहीं देगा, फिर उससे काम नहीं बनेगा तो हेडेक दे देगा, उससे बात नहीं बनेगी तो हल्की फुल्की डिसऑर्डर दे देगा, या उसको भी आप अवेयर नहीं करोगे तो वो कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। वो हर स्टेप आपको आगाह कर रहा है कि आप इसको ठीक करिए, पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लैक ऑफ नॉलेज के थ्रू उसको सप्रेस कर रहे हैं या पैलिएशन कर रहे हैं या उसे मॉडिफाई कर दे रहे हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहे हैं कि हमने पेंटॉप खा के जीईआरडी को खत्म कर दिया। कई लोग होते हैं ना एलर्जिक कंडीशन में, दो दो तीन तीन महीने तक एंटीलर्जिक खाते रहते हैं, बोले साहब महीने भर खानी पड़ेंगे, खा लो। अभी जस्ट कल की बात है, मेरा एक पेशेंट है हल्द्वानी का है, मैं उसका नाम क्लियर नहीं कर रहा हूँ, फीमेल है, उनको पीसीओडी है। पीसीओडी के सिम्टम आप जानते ही है, वेट गेन होता है, एक्ने आते हैं, कई बार अनवांटेड ईयर्स भी आ जाते हैं, ईयरेट डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, मूड स्विंग होने लग जाता है, सब पीसीओडी के सिम्टम है ऑलरेडी, क्लियर आप जानते ही, मैंने पढ़ाया ऑलरेडी। तो उसको मैंने मेडिसिन दी, उसको 8 दिन बाद तसल्ली नहीं मिली, अरे सर एक्ने कम नहीं हो रहे हैं और कोई ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उसको पता ही नहीं पीसीओडी क्या है। ओवर पढ़े लिखे गंवार होते हैं कई लोग, वो तुरंत वो होते ना स्पेशलिस्ट के पास चले गए, उन्होंने 1.5 महीने की मेडिसिन दी, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं फोटो शूट बताऊंगा, उसमें लिपोसिट्राजिन है, उसमें एजिथ्रोमाइसिन है, उसमें पेंटोप ऑलरेडी है, एसिलोप ऑलरेडी है, और कुछ वहां पे हार्मोनल पिल्स है जो हम ओसीपी में खिलाते हैं, वो पिल्स है, एक पिल्स और कोई थी जिसको मैं प्रॉपर पढ़ नहीं पाया। तो यानी उन्होंने 4 तरीके के ड्रग दे दिए, एलर्जिक कंडीशन मान के एलर्जी दे दी तो आपको खुजली नहीं होगी, रेडनेस नहीं होगी, ठीक आपको ओसीपी खिला दी तो आपकी साइकिल शायद कंट्रोल हो जाए, उससे 3 महीने तक खाना पड़ेगा, 3 महीने तक अपने आप नॉर्मल पीरियड्स आ जाएंगे साइकिल से, हॉर्मोन को एंटागोनिज्म कर देंगे तो जो हॉर्मोन निकल रहे हैं पीसीओडी से, ओवरीज से, वो थोड़ा सा अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे, चाहे वो एंड्रोजन हो चाहे वो और अदर हार्मोन हो, दिखाएगा नहीं, नहीं दिखाएगा तो आपको रिलीफ लगेगा, यार ये दवा ठीक थी, कब तक, महीने 2 महीने 3 महीने, फिर वो एलोपैथिक को छोड़ के होम्योपैथिक को ढूंढेंगे, बोले अब आप डिसीजन, उनने 3 महीने पैसा कमा लिया, केस और बस्ट कर दिया, अब उसको होम्योपैथिक याद आएगी। तो ये हमारी समाज की एजुकेशन है, उनको नहीं पता क्या करना। अच्छा उसको तो मालूम है, स्किन स्पेशलिस्ट को उसे मालूम है कि ये पेशेंट मेरे पास ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, चूंकि मुझे पता है कि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर क्यों ना जब आया है मरीज काटेंगे हम तो, जब तक रुक जाए 1 महीने 2 महीने कुछ जांचें कराएंगे बड़ी बड़ी, उसकी 7,500 रुपये की जांचें कराई जबकि कुछ नीड नहीं थी, पीसीओडी प्रोफाइल हो जाती है मुश्किल से 1,500-2,000 रुपये, 7,500 जांच, चूंकि वो मैनेजर है बैंक में, उसे फील भी हुआ हाँ नहीं ये डॉक्टर अच्छा है, 7,500 रुपये की जांचें, 10,000 रुपये की दवाइयाँ, 20,000 रुपये खर्च हुए, तो उसका मतलब कुछ बड़ा हुआ होगा, परसेप्शन क्रिएट किया, अंधभक्तों के दिमाग में परसेप्शन होता ना कि हम विश्वगुरु बन गए,
बन गए, उन्हें पता ही नहीं विश्व गुरु क्या होता है, उन्हें यही पता नहीं कि विश्व में कितने देश है, तो उनके दिमाग पर तो बस एक छाप छोड़ दिए गए डमरू को यार मदारी टाइप, क्योंकि परसेप्शन क्रिएट कर दिया, सोर्सेस उनके पास क्या है, टीवी यूट्यूब व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप उनकी टीम चल रही है, आसपास वही चल रहा है विश्व गुरु बन गए। उनसे पूछो विश्व गुरु क्या, अरे विश्व में सबसे नंबर वन, कितने देश है विश्व के अंदर नहीं पता उन लोग, सोर्स नहीं उनके पास, जो आसपास की दुनिया फॉल्स क्रिएट कर दी गई वही उनकी दुनिया है। तो लैक ऑफ नॉलेज, डेफिनेशन अगर आप समझ गए जी ओ आर डी की, तो आप जी ओ आर डी को भी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। ठीक, म्यूकोजल डैमेज हो रहा है, एसिड रिफ्लेक्स से, इसको बोले जी ओ आर डी। आगे पढ़ें, अब थोड़ा सा मैं आपको डिफ्रेंशिएट करा रहा हूँ कि स्टेज कई बार स्टार्टिंग होती है आपको समझ नहीं आती, हाँ फिजियोलॉजिक जी आर डी, यानी कभी कभी फ्यू मिनट फ्यू सेकंड के लिए आती है, तो पोस्ट पेरेंडियल कई बार ऐसा होता है ना, हम खाना खा के लेके कड्डाई सी मस्ती हिंदी भाषा बोलते हैं, रिफ्लेक्स आया और हल्का सा पानी वानी पिया टेले वेले और ठीक हो गया, या ए सिम्टोमेटिक हुई, या सिम्टम आएंगे पैथोलॉजिक में, या नहीं आएंगे सिम्टम, शॉर्ट टाइम के लिए आता है, ए सिम्टोमेटिक होता है, नो नॉक्टर्नल या कुछ भी नहीं होगा, यहाँ होगा नॉक्टर्नल सिम्टम, म्यूकोजल इंजरी हो जाएगी, सिम्टम्स आएंगे, उसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट पैथोलॉजिकल जी ई आर डी। समझ रहे हैं आप लोग, कई बार होता है शॉर्ट फ्यू सेकेंड फ्यू मिनट के लिए ठीक हो जाता है, यूं करते हैं हम घूमते टहलते करते हैं, ठीक हो गया, अभी बहुत खींचे खा लिया आपने, वो रिफ्लेक्स प्रॉपर बंद नहीं हो पा रहा जो स्फिंक्टर है और खुला रह जाता है, ये ना लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर, इसी का काम है, खाना खाने के बाद फूड यहाँ आ जाएगा तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाना चाहिए, पर इस कंडीशन में ये स्फिंक्टर खुला रह जाता है, तो ये देखा है आप एसिड, इसने अल्सर बना दिए, इसने बर्न कर दिया उस एरिया को, ये स्फिंक्टर है। ठीक है, जनरली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है ये स्फिंक्टर, बंद हो जाता है, और यहां बंद नहीं हुआ, यहां बंद नहीं हुआ तो वो रिफ्लेक्स कर गया। ठीक, मे बी आप क्लियर हो गया होगा, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी प्राइमरी बैरियर टू गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स इज लोअर ईसोफेगियस स्फिंक्टर, LES normally works in conjunction with the diaphragm, सब समझते हैं, diaphragm के अंदर ही हमारा बना हुआ है sphincter, जो barrier है disrupt जब हो जाएगा तो acid हमारा कहाँ पहुंचेगा, esophagus, stomach से esophagus में पहुंचेगा, इस line को आप proper समझ लीजिए, if barrier disrupt यानी जो barrier लगा हुआ है cardiac जो हमारा lower end sphincter है उसने barrier बना रखा है, यानी esophagus का contain अब stomach में नहीं आएगा, स्टमक का अब ईसोफेगस में नहीं जाएगा, अब उसी के अंदर पूरी प्रोसेस होगी, किसी भी कंडीशन से ये बैरियर जब टूट जाए एसिड हमारा ईसोफेगस के अंदर पहुंच जाएगा, ये देखो ठीक यहां होता है, यहां कंटेन यहां जाएगा, ये देखो क्लियर यहां तक, ये देखो हाइटस हर्निया कई बार ऐसा हो जाता है खिंच गया ऊपर की तरफ, अब वो बंद भी नहीं कर पा रहे, पुराने जमाने के सूटकेस होते थे कपड़े बहुत भर दिए, अब यूं मुंह फाड़ के पड़ा हुआ है तो नहीं बंद हो रहा है, ये खिंच गया ऊपर की तरफ। ठीक, ईसोफेगस में हार्ट बर्न सिम्टम आएगा, यहाँ पे जलन सी होगी, डिस्फेजिया होगा, ओडिनोफेजिया, निकलने में तकलीफ होगी, फूड वापस आएगा, बेल्चिंग आएगी, ठीक है, बाकी और एक्स्ट्रा ईसोफेगियल सिम्टम आएंगे, कई बार कफ होता है, इरिटेट करता है, यहाँ पे आके कफिंग लग जाती है, विजिंग होती है, हॉर्सनेस, सोर थ्रोट, है ना, कुछ फंसा हुआ ये लगेगा, ग्लोबस सेंसेशन, पेन होगा यहाँ पे, तो ये कुछ सिम्टम है, ईसोफेगस लेवल पे अलग सिम्टम आएंगे, एक्स्ट्रा ईसोफेगियल सिम्टम अलग लेवल पे आएंगे। ये देखो तूफान आ गया, आपने छोड़ दिया, ठीक, कौन सा सिम्टम किस लेवल पे आता है, किस इंटेंसिटी में आता है, उसके एक चार्ट बना दिया है एक रिमाइंडर करने के लिए। सबसे हार्ट बर्न प्रोविडोमिनेंस सिम्टम होता है,
उसके बाद रिगर्जिटेशन आता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है चूंकि एसिड बन रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा, कफ आ सकता है ना। कई बार हम सोचते हैं कि कफ सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑरिजन होता है, जबकि कफ कई बार होता है गैस्ट्रिक ऑरिजन का भी होता है, कई बार एलर्जिक ऑरिजन का भी होता है, कई बार साइकिक ऑरिजन का भी होता है। तो कफ जरूरी नहीं है कि गैस्ट्रिक ऑरिजन का, उस रेस्पिरेटरी ऑरिजन का हो। ठीक, ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्स्ट्रा इसोफेगियल सिम्टम और इसोफेगियल सिम्टम। फैक्टर कौन कौन से हैं जो एग्रावेट करेंगे इन चीजों को, तो आपको डाइट बतानी है मरीज को, जैसे कैफीन है, फैटी है, स्पाइसी है, ये और बढ़ाते हैं, तो इनको अवॉइड करना है। चॉकलेट है, कॉफी है, सिट्रस है, अल्कोहल है। ठीक, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी को हटा नहीं सकते, टाइट क्लोथिंग है, इनका आप उसको अवेयरनेस बता सकते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ हम पूछते हैं ना मरीज हमसे कि सर क्या परहेज कर रहे हैं, तो ये परहेज उसको बता सकते हैं। ठीक, ये देखो हरी भरी एंड करी, ये सब बढ़ाते हैं जल्दबाजी, ये सारे फूड आपको बढ़ाएंगे। इन फूड ने हमारी पूरी हैबिट्स डिस्टर्ब कर दी है, मुंह लग जाते हैं फूड, जिसके भी मुंह लगे होंगे उनको पता हो ये सारे सिम्टम है, डिस्फेजिया, ब्लीडिंग, ओडेनोफेजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, ये सब अलार्मिंग सिम्टम है, कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। डायग्नोस्टिक में सिंपल है, पहले बेरियम सोलो होता था, अब एंडोस्कोपी करा लो मालूम पड़ जाती, एंडोस्कोपी सबसे बेस्ट है अभी। ठीक, एंडोस्कोपी में सब दिख जाता, हालांकि क्लिनिक पे भी आप डायग्नोस कर सकते हैं, अगर ज्यादा मरीज पढ़ा लिखा है नहीं मान रहा है तो उसकी एंडोस्कोपी बात करता हूँ। ये एंडोस्कोपी, एंडोस्कोप आएगा इसमें देख लेगा कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम। बस ये था हमारा ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देंगे अगर एलोपैथिक है तो। ठीक, इसोफेजाइटिस हुई है तो उसको हील करेंगे, प्रिवेंट करेंगे और डाइट मेंटेन करेंगे उसको, बस रेस्ट करेंगे उसको। लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है, वेट लॉस करो अगर वेट ज़्यादा है तो, टाइट कपड़े पहनते हो तो टाइट कलर कपड़े पहनते हो कमर के आसपास, डाइट को चेंज करो, ज़्यादा खाना नहीं है बहुत ज़्यादा, कम कम छोटे छोटे मील्स में खाने हैं, स्मॉलर मील्स खाने हैं, फैटी और फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक, चॉकलेट है, अल्कोहल है, ये सब जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, स्मोकिंग है, सब प्रॉब्लम करेंगे। थोड़ा सा हेड वाला पोर्शन उठा हुआ रखें सोते समय तो पूरी तरफ नहीं जाएगा अच्छे। बट एलोपैथी में एंटासिड है, हमारे यहाँ बहुत सारे ड्रग है, इतना हमारा काम था। जी आईडी में कुछ और पूछना है इसके बारे में तो पूछ लीजिएगा, टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। जो कोई ग्वालियर में अवेलेबल हो, कैंप करना चाहता हो, संडे को कैंप है गोले के मंदिर, कुछ अनाथ बच्चे हैं 50-60, उनको हेल्प करने जाएंगे हम लोग संडे को 3 से 6। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो कैंप करने में, ग्वालियर में अवेलेबल हो, मुझसे कांटेक्ट कर ले, इसी संडे को कैंप है 3 से 6। ठीक है, वरना क्लास हमारी कंप्लीट हुई, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर, चलिए क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू।